मैंने क्या किया हूँ अभी तक, एक्सरसाइज 9 का, केसी सिन्हा का 1 से लेकर 30 तक मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब कौन सा क्वेश्चन है? 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई है और प्रूव दैट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 31 नंबर क्वेश्चन। मैं अभी तक क्या पढ़ाया नहीं, क्या पढ़ाया हूँ ठीक है ना, उसी के आधार पे बनाना है ये क्वेश्चन। लास्ट में आंसर में क्या नहीं है, ए नहीं है, ए का वैल्यू निकाल के पुट कर देना है ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, बाय द वे नहीं बने तो हमसे पूछना, मैं बताऊंगा जरूर ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू x प्लस 1 by x प्रूव दैट x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2x, ये क्या करना है? प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन क्या है भाई? y इक्वल टू x प्लस 1 by x। तो अब क्या, फिर से क्या काम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी वन बाय एक्स अपॉन में क्या है डी एक्स, डी वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का 1 होता है 1 by x का माइनस 1 by x² ठीक है। इसको यदि ज्यादा से ज्यादा हम क्या लिख सकते हैं, x² - 1 upon x² एलसीएम ले लिए। अब क्या है LHS x x dy y dx plus y है, तो x dy by dx कितना है भाई? x² - 1 upon x² प्लस y का वैल्यू प्लस y, y कितना है? x + 1 by x। x से क्या हो गया, x² कैंसिल हो गया, क्या आ गया अब क्या x² - 1 upon x + x + 1 by x ठीक है। अब क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा x² - 1 plus x into x। एक मिनट, -1 plus x² plus x into dy by dx plus y ठीक है, एक मिनट, सॉरी अब क्या क्या बचा, x² - 1 upon x + x + 1 by x ठीक है, x + 1 by x, तो x² upon x
माइनस वन वाई एक्स, इसको तोड़ दिए, प्लस एक्स प्लस वन वाई एक्स, प्लस वन वाई एक्स माइनस वन वाई एक्स कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, प्लस एक्स फिर प्लस एक्स, कितना हो गया टू एक्स। आर एच एस प्रूफ, कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। ठीक है, 32 क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बचा जी? 33, 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू y log एक्स वाई। 33 क्या है? x इक्वल टू y log एक्स वाई, डिफ्रेंशिएट dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो गया डी एक्स बाय डी एक्स, फिर क्या u इंटू भी क्या हो गया log एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया भी डी यू बाई डी एक्स प्लस u कितना है y, डी log एक्स वाई अपॉन डी एक्स वाई, और डिफ्रेंसिएशन में जो नीचे आता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है जी, वन लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन वाई एक्स, तो एक्स के बदला क्या है एक्स वाई, फिर क्या यू इंटू भी डी एक्स बाई डी यू बाई डी एक्स, तो यू कितना है एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या वन लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, y y कैंसल, क्या हो गया वन बाय एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या वन लॉग एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भाई साहब चल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आ रहा है, तो वन माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log एक्स वाई प्लस वन। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या एलसीएम कितना हो जाएगा इधर वाले का एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स वन प्लस लॉग एक्स वाई, डी वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स इंटू दिस टर्म वन प्लस लॉग एक्स वाई। अब क्या करना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वन प्लस
अब क्या है क्वेश्चन में क्या है, x इक्वल टू y log एक्स वाई, तो log एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन y, ठीक है। अब क्या करना है, x माइनस वाई अपॉन एक्स एलसीएम y हो गया y प्लस एक्स। अब क्या ये बत्ता नीचे बत्ते का बत्ता है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो y x माइनस वाई अपॉन एक्स y प्लस एक्स, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब कौन सा क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन है, थर्टी फोर क्या है, ई टू डी पावर वाई, ई टू डी पावर वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई है, क्या है ई टू डी पावर वाई इक्वल टू क्या है टेन एक्स प्लस वाई, हमको निकालना क्या है डी वाई बाय डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी ई टू डी पावर वाई अपॉन डी वाई इन टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इन टू डी एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या डी एक्स। अब क्या ई टू डी पावर वाई बाय डी एक्स टेन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, अब क्या डी एक्स वाई डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी एक्स बाय डी एक्स वन होता है प्लस डी वाई बाय डी एक्स, अब क्या वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स, इधर क्या है ई टू डी पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स, ई टू डी पावर वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते थे, क्या बचेगा ई टू डी पावर वाई और इधर से ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्या डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन ई टू डी पावर वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। बाय द वे ई टू डी पावर वाई का वैल्यू यहाँ तेन एक्स प्लस वाई भी दे सकते हैं, नहीं भी दोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर। अब कौन सा क्वेश्चन है 35 नंबर, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 क्या है ई टू डी पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, हमको क्या निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, डी
e to the power xy upon d xy into dxy upon dx. फिर क्या dxy upon dx equal to d zero y dx, कुछ नहीं कर रहे हैं, differentiate both side with respect to x. अब e to the power x का क्या होता है, e to the power x, तो x के बदला क्या है, e to the power xy. अब क्या y dxy dx x dy by dx, इसको क्या कर दिया, u into v पे तोड़ दिया. फिर क्या प्लस प्लस, फिर क्या u into v y dxy dx प्लस x dy by dx इक्वल टू जीरो. अब क्या हो गया, अब क्या e to the power xy y x dy by dx प्लस y dx by dx 1 प्लस x dy by dx इक्वल टू जीरो. अब क्या करना है, e to the power xy into y प्लस e to the power x into e to the power xy dy by dx प्लस y x प्लस x dy by dx इक्वल टू जीरो. अब क्या करना है, dy by dx को एक तरफ लिख देना है, तो dy by dx क्या आ जाएगा बाबू, x e to the power xy प्लस x इक्वल टू ये टर्म उधर जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस y e to the power xy. एंड लास्ट राइट dy by dx, तो dy by dx क्या हो जाएगा माइनस y e to the power xy upon x e to the power xy plus x. अब क्या करना है, माइनस y e to the power xy upon x कॉमन ले लेते हैं, तो e to the power xy plus 1, ये क्या हो गया आंसर हो गया. ठीक है, ठीक है. 36 क्वेश्चन सेम है, 36 क्या है, क्वेश्चन सेम है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा. मैं किस क्वेश्चन का बात कर रहा हूं, 37 का. थर्टी सिक्स सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे ही बना लेना है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है. थर्टी सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, e to the power xy equal to cos x square plus y square. हमको क्या करना है, dy by dx निकालना है. क्या करना है, dy by dx निकालना है. फिर differentiate both side with respect to x. dxy upon dxy into dxy upon dx इक्वल टू डी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और डिफ्रेंसिएशन में जो नीचे आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स ई टू डी पावर एक्स वाई का ई टू डी पावर एक्स वाई ही होगा. फिर क्या यू इंटू भी y dx by dx plus x dy by dx. cos का differentiation क्या हो जाएगा, minus sin x square plus y square. अब क्या x square का differentiation कितना हो जाएगा, 2x और y square upon dy into dy by dx.
अब क्या डी एक्स वाई, डी एक्स कितना होता है वन वाई ई टू डी पावर एक्स वाई, फिर क्या एक्स ई टू डी पावर एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस फिर क्या है माइनस, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है वो है टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिए, एक्स ई टू डी पावर एक्स वाई ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई ई एक्स वाई। अब क्या डी वाई वाई डी वाई वाई डी एक्स लिख देना है तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ गया जी टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई ई टू डी पावर एक्स वाई अपॉन एक्स ई एक्स वाई प्लस टू वाई साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया जी आंसर हुआ। कोई दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। अब क्या अब क्या 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जी 38 क्या है, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा जरूर। थर्टी एट क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई टेन एक्स प्लस वाई, साइन थीटा बराबर क्या है एक्स है तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या टेन एक्स प्लस वाई। अब क्या डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहां क्या है यू इंटू भी है तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स बाय डी एक्स एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई अपॉन डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है जी वन वाई इंटू वन प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के बदला क्या है एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू
एक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी एक्स बाय डी एक्स कितना होता है वन डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स अब क्या वन इंटू सेक स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस तो प्लस दे दिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करना है अब क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं क्या बच गया इधर एक्स तो एक्स दे दिया और ये टर्म इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब क्या है इधर ये क्या है प्लस वाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। दिस इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन है एक्स एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर क्या करना है वही हमको क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां क्या है यू इंटू वी तो कॉस वाई डी एक्स बाय डी एक्स एक्स डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्या है वाई है। अब क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई डी कॉस एक्स बाय डी एक्स। यहां पर भी क्या है यू इंटू वी तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दे फिर क्या है टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब क्या हो गया कॉस वाई का डिफरेंस कॉस वाई डी एक्स बाय डी एक्स कितना होता है जी वन और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस माइनस माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या माइनस साइन एक्स तो माइनस प्लस माइनस माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स टू डी पावर फोर इंटू टू एक्स। ठीक है अब क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं क्या बच जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई इक्वल टू
equal to 2x upon x to the power 4, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस कॉस वाई, फिर क्या माइनस वाई साइन एक्स उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो गया वाई साइन एक्स। अब क्या यदि 2x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, एक मिनट बुआ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, 2x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब क्या करना है dy वाई बाय डी एक्स निकालना है, क्या करना है dy वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो dy वाई बाय डी एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन में कितना कॉस एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, मैंने ये क्या किया, ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फिर भी दो गो क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए पूछे हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, ठीक है ना, पूछने के लिए कोई हाथ दबाव नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद, कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा।